हेलो डियर स्टूडेंट, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल आई स्मार्ट सॉल्यूशन पर। आज की इस वीडियो में हम क्लास 9th के फिजिक्स के चैप्टर फर्स्ट मींस साइंस की बुक्स में हमारे पास फिजिक्स है। फिजिक्स का हमारे जो पार्ट है चैप्टर फर्स्ट जो है मोशन, उसमें हमने एक कॉन्सेप्ट डिस्कस कर चुके हैं जिसका नाम है स्पीड और वेलोसिटी। स्पीड और वेलोसिटी के सारे टॉपिक्स डिफरेंसेस हम अच्छे से डिस्कस कर चुके हैं। अब हम डिस्कस करने वाले हैं उनके बेस पे कुछ न्यूमेरिकल्स स्पीड और वेलोसिटी के ऊपर, जो कि हमारे लिए काफी ज्यादा यूजफुल है, जिससे कि हमारा कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ये डिस्कस करते हैं सभी न्यूमेरिकल्स को वन बाय वन। वीडियो को पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना ना भूला। अगर आप चैनल पर नए तो चैनल सब्सक्राइब जरूर कर दें, जिससे कि आने वाले सभी चैप्टर्स के नोट्स आपके पास टाइम टू टाइम पहुंच सके। थैंक्स। ये देखते हैं न्यूमेरिकल नंबर फर्स्ट जो कि स्पीड से रिलेटेड है। काफी ज्यादा अच्छा क्वेश्चन है सभी के सभी। न्यूमेरिकल नंबर फर्स्ट में क्या गिवन है, थोड़ा सा मैंने अच्छा लेवल लिया जो कि पेपर में काफी बार पूछा भी जाता है। मैं दो पार्ट कर लेता हूँ बोर्ड के, क्यों? क्योंकि क्वेश्चंस में कुछ ऐसे ही कंडीशन गिवन है। क्या है? बस एक्स ट्रेवल ए डिस्टेंस ऑफ 360 किलोमीटर, यानी कि मेरे पास दो बस है। एक तो बस का नाम क्या एक्स है, जिसमें डिस्टेंस कितनी गिवन है 360 किलोमीटर की डिस्टेंस कवर की इन्होंने, कितने टाइम में? टी इक्वल में 5 आवर में। ठीक है, बस एक्स से डिस्टेंस 360 किलोमीटर, टाइम 5 आवर्स, ये मेरे पास सेकेंड। वेयर एज अनदर बस क्या है वाई, जिसकी डिस्टेंस कितनी कवर की उसने 476, डिस्टेंस कितनी कवर की 476 किलोमीटर इन 7 आवर्स, टाइम कितना है इसके पास T2 7 आवर्स। ठीक है, कर लेते हैं सॉल्व। विच बस ट्रेवल फास्टर, आपको बता रहा है कौन सी वाली बस तेज मूव कर रही है, फास्ट मूव कर रही है। हमने बहुत अच्छे से फॉर्मूला पढ़ा है, स्पीड इक्वल में डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस कितनी है 360, टाइम कितना है 5, सॉल्व करें। यस, 5 से बन जा 35, 1 रिमेन 10 हो जाएगा, 5 टू जा 10 किलोमीटर पर आवर। सेकंड चेक करते हैं, स्पीड इक्वल में डिस्टेंस अपॉन में टाइम। डिस्टेंस कितनी है 476 अपॉन में 7, सॉल्व करते हैं। 7 6 जा 42, रिमेन कितना है 5, 5 और 6 56, 7 8 जा 56। आप डिवाइड करके अच्छे से देख सकते हैं। मेरे पास सेकंड बस वाई जो है स्पीड कितनी 68 की स्पीड से चल रही है, और बस एक्स 72 की स्पीड से। तो आप बताओ कौन सी वाली बस फास्ट मूव कर रही है, एक्स बस। आप लिख सकते हो इस रेस में कौन जीता, एक्स वाली बस जीत गई। इट मीन्स द बस एक्स इज मूविंग फास्टर देन बी, यानी कि वाई, एक्स वाली वाई से तेज चल रही है। कितनी तेज चल रही है पता चल गया। अब देखते हैं न्यूमेरिकल नंबर 2 जो कि इसी से रिलेटेड है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है वो भी देखते हैं। ये देखते हैं न्यूमेरिकल नंबर 2 जो कि 1 मार्क्स में काफी बार पूछा जाता है, मल्टीपल चॉइस में इसके आने के चांसेस ज्यादा होते हैं। क्वेश्चन है क्या ज्यादा बड़ा नहीं है, सॉफ्ट क्वेश्चन है बिल्कुल। कन्वर्ट है स्पीड ऑफ, मेरे पास स्पीड गिवन है, कितनी स्पीड है 54 किलोमीटर पर आवर। इसे कन्वर्ट करना है किसमें, मीटर पर सेकेंड में। मीन्स हमारे पास MKS सिस्टम को चेंज करना है CGS सिस्टम में। CGS नहीं, ये मीटर किलोग्राम वाली पोर्शन है, तो एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में चेंज करना है किलोमीटर और मीटर वाले कॉन्सेप्ट में सिर्फ और सिर्फ। अब हम देखते हैं किलोमीटर को मीटर में कैसे कन्वर्ट करते हैं, 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि 1 किलोमीटर में कितने 1000 मीटर होते हैं। यस और नो? यस होते हैं। आवर लिखा है, आवर को सेकंड में कन्वर्ट करना है, तो एक बार 60 से डिवाइड करेंगे यानी कि मल्टीप्लाई करेंगे आवर में, तो किसमें आ जाएगा मिनट में। एक और बार 60 से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो किसमें आ जाएगा सेकंड में आ जाएगा। अब सॉल्व करते हैं, 2 जीरोस से 2 जीरोस कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, नहीं है ऑब्वियस। 6 से डिवाइड करते हैं, 6 9 जा 54, ठीक है ना, कितना बचा 9 10 और 6। फिर सॉल्व करते हैं, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 2 5 जा 10, 5 3 जा 15 मीटर पर सेकेंड। यस, क्लियर है ना? यस yes. वरना अगर आपको ऐसे नहीं करना है, मैं आपको एक ट्रिक सिखा दूं। क्या? कभी भी आपके पास किलोमीटर पर आवर आए और उसे आपको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना हो, तो आप बहुत आसानी से कर सकते हैं 5/18 से मल्टीप्लाई कर। किससे? 5/18 से, मीटर पर सेकंड में आ जाएगा। 18 3 जा 5 3 जा, कितनी आसानी से हो गया। ऐसे चाहे ऐसे कर लो, ऐसे चाहे ऐसे कर लो, दोनों ही कॉन्सेप्ट इजी है। अब देखते हैं इसी चैप्टर से न्यूमेरिकल नंबर 3। अब देखेंगे न्यूमेरिकल नंबर 3 जो कि काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पर एवरेज स्पीड फाइंड करनी है। एवरेज स्पीड का क्वेश्चन यहाँ पे 3 मार्क्स में पेपर में आता है लॉन्ग में, सो हमें वो भी डिस्कस करना जरूरी है। तो देखेंगे पहला क्वेश्चन किस तरीके से सॉल्व होगा, ये वाला क्वेश्चन 3rd वाला। अच्छा है क्वेश्चन, अच्छे से समझना है आपको, सिर्फ कैलकुलेशन और कुछ नहीं है।
क्या गिवन है, एक कार ट्रेवल 30 किलोमीटर। सबसे पहले जो भी चीज आपके पास आती रहे लिखते रहिएगा, किलोमीटर में मेरे पास क्या होती है, डिस्टेंस होती है, लिख लिया। एट ए यूनिफॉर्म स्पीड, स्पीड पता नहीं कितनी है अभी, कितनी है S1 40 किलोमीटर पर आवर, ये इन्होंने स्पीड भी दे दी, ठीक है। एंड द नेक्स्ट, अब वो बाकी एक और बार 30 किलोमीटर चल रही है, नेक्स्ट 30 किलोमीटर कितने की स्पीड पे, 20 की स्पीड पे चल रहा है, स्पीड इन्होंने स्लो कर दी, ठीक है। क्या फाइंड करना है, एवरेज स्पीड फाइंड करनी है, क्या एवरेज स्पीड, देखते हैं मेरे पास स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। और मैं आपसे पूछूं टाइम का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, फिर यहां से डिवाइड चेंज इनटू मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई चेंज इनटू डिवाइड, सर टी इक्वल में डी अपॉन एस। सो डी मतलब डिस्टेंस कितनी है 30, स्पीड कितनी है 40, जीरो से जीरो कैंसिल, सर टी इक्वल में आ गया 3/4 सेकेंड। यस और नो, पहले का टाइम आ गया, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। सेकेंड का टाइम फाइंड करते हैं, क्या होगा मेरे पास फॉर्मूला, T2 इक्वल में D2 अपॉन S2, सेम वही टाइम इक्वल में डिस्टेंस अपॉन स्पीड। सो डिस्टेंस कितनी है मेरे पास 30, स्पीड 20, जीरो से जीरो कैंसिल, 3/2 सेकेंड। यस और नो, यस और नो। मैं आपसे पूछूं कि उन्हें टोटल अपने ट्रेवल में कितना टाइम लगा, तो हम टोटल टाइम कैसे निकाल सकते हैं, यहीं पर फाइंड कर ले टोटल टाइम, इस वाले टाइम को और इस वाले टाइम को ऐड कर ले। यस, कर सकते, चाहे तो आप एलसीएम लेके ऐड कर लो, क्रॉस मल्टीप्लाई से ऐड कर लो, जैसे भी, मैं तो 2 से मल्टीप्लाई कर ऐड करूंगा, जिससे कि मुझे बहुत आसान हो जाएगा। 3/4, 3 2 6, 2 2 4, अब देखो दोनों सेम हो गए ना, 6 और 3 कितना है 9, 9/4 मेरे पास टोटल टाइम आ गया, इजी है, ऐसे भी आप कर सकते हो। हाँ, अब ये हमारे कॉन्सेप्ट खत्म, बात करते हैं एवरेज स्पीड की। एवरेज स्पीड का आपने फॉर्मूला पढ़ लिया, अगर अभी तक नहीं पढ़ा तो चैनल पर विजिट कर स्पीड वाले और वेलोसिटी वाले कॉन्सेप्ट की वीडियो है वहाँ पर, 9th क्लास की साइंस की अलग प्लेलिस्ट है फिजिक्स की, वहाँ से आप प्रिपेयर कर सकते हैं सभी क्वेश्चंस को, सभी कॉन्सेप्ट को। अब मेरे पास क्या है, एवरेज स्पीड क्या फॉर्मूला होता है, टोटल डिस्टेंस अपॉन में टोटल टाइम, टोटल टाइम, टोटल डिस्टेंस मतलब D1 + D2 और टोटल टाइम मतलब T1 + T2। यस और नो, यस सर। सो डिस्टेंस पहले कितनी कवर की इन्होंने 30, बाद में भी 30, तो टोटल कितनी हो गई 60 हो गई, ठीक है। टाइम टोटल कितना है 9/4, 9 यहाँ लिखेंगे नीचे 4, तो 4 ऊपर आ जाएगा, 60 × 4/9। सॉल्व करें, यस 3 3 जा 3 2 जा 4 2 जा 8, 80/3, डिवाइड करते हैं, 3 का टेबल आता है हमें, 3 2 जा 6, कितना रही मैंने 2 रही मैंने 20 हो गया, 3 6 जा 18, 2 रही मैंने, फिर मेरे पास कितना आएगा 6 7, ऐसे ही चलता रहेगा किलोमीटर पर आवर। ये मेरे पास क्या आ गई, एवरेज स्पीड। आई होप सो कॉन्सेप्ट और न्यूमेरिकल आपको अच्छे से समझ में आया होगा। कोई भी पॉइंट अगर क्लियर नहीं है, वीडियो को पॉज करते जाए, नोट डाउन करते जाए, एक एक पॉइंट क्लियर करते जाए, स्टेप बाय स्टेप करते जाए, क्योंकि 3 मार्क्स का क्वेश्चन है, लॉन्ग तो हो गई। अब देखते हैं न्यूमेरिकल नंबर 4, इसी चैप्टर से बहुत ज्यादा अच्छा है वो भी, अब देखेंगे न्यूमेरिकल नंबर 4, जो कि वो भी बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है, क्योंकि यहाँ पर भी मुझे एवरेज स्पीड फाइंड करनी है, ये 2 मार्क्स का क्वेश्चन है और बहुत ज्यादा अच्छा भी है। क्वेश्चन क्या है, ए टॉर्टोइज मूव ए डिस्टेंस, अच्छा टॉर्टोइज ने कितना 100 मीटर, हाँ कम ही चल सकता, मैंने कहानी सुनी है इसकी, ए टॉर्टोइज मूव ए डिस्टेंस ऑफ 100 मीटर, डिस्टेंस कितनी है टॉर्टोइज की 100 मीटर की डिस्टेंस कवर की, कितने 15 मिनट में, टाइम कितना है 15 मिनट, ठीक है। What is the average speed of tortoise in किलोमीटर पर आवर, अच्छा मीटर में दी, किलोमीटर में पूछ रहे हैं, मिनट में दिया है, आवर में पूछ रहे हैं टाइम, कोई बात नहीं अभी कन्वर्ट कर देते हैं, हमें कन्वर्ट करना आता है बहुत अच्छे से। मीटर को किलोमीटर में करने के लिए क्या करते हैं हम, 1000 से डिवाइड हो गए किलोमीटर में, 2 0 से 2 0 कैंसिल, 1/10 किलोमीटर, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, डिस्टेंस आ गई, कोई प्रॉब्लम नहीं है। टाइम मिनट को आवर में करने के लिए 60 से डिवाइड, ये चीजें याद करना है आपको, 15 1 जा 15 4 जा 1/4 आवर्स, कोई परेशानी, टाइम आ गया। क्या फॉर्मूला होता है मेरे पास, स्पीड इक्वल में डिस्टेंस अपॉन टाइम, मैं 1 1 क्यों लगा रहा हूँ, यहाँ पे एक ही कॉन्सेप्ट है। सो अब मेरे पास डिस्टेंस कितनी आई 1/10,
टाइम कितना आया, 1/4, 1/10, 1/4, मिड वाला मिड में, फर्स्ट वाला लास्ट में। सो 4/10 मतलब नीचे एक जीरो है तो एक डिजिट के बाद पॉइंट आ गया मेरे पास किलोमीटर पर आवर में, जैसे रिक्वायरमेंट थी वैसे ही आया है। स्टेप बाय स्टेप क्वेश्चंस को समझना है, न्यूमेरिकल क्लियर हो गया होगा। हम न्यूमेरिकल देखते हैं फिफ्थ, जो कि लास्ट न्यूमेरिकल होने वाला है इस वीडियो का। अब देखेंगे लास्ट न्यूमेरिकल, न्यूमेरिकल नंबर 5, इसी कॉन्सेप्ट के ऊपर है, एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी। एवरेज वेलोसिटी का भी न्यूमेरिकल काफी बार पूछ लिया जाता है, तो हम उसे भी यहाँ पर कवर कर लेते हैं। सो न्यूमेरिकल में है क्या, क्वेश्चन रीड आउट करते हैं, गिवन जो भी नोट डाउन करते हैं, फिर क्वेश्चन को करते हैं। ए बस कवर ए डिस्टेंस ऑफ 240 किलोमीटर, 250, एक बस ने कुछ डिस्टेंस कवर की 250 किलोमीटर की, ठीक है। फ्रॉम दिल्ली से जयपुर, कहाँ जा रहे हैं वो, दिल्ली से जयपुर जा रहे हैं वेस्ट साइड में, इन 5 आवर्स। टाइम कितना लिया बस ने डिस्टेंस कवर करते टाइम, 5 आवर्स का, ठीक है। इन मॉर्निंग, मॉर्निंग में वो लग गए, एंड रिटर्न टू दिल्ली, दिल्ली वापस आ रहे हैं इवनिंग में, कवर कर रहे हैं सेम डिस्टेंस, कितनी 250। बाद में आते टाइम डिस्टेंस कितनी कवर की, जितनी जाते में कवर की होगी ऑब्वियस है, उतनी आते में, सेम टाइम 5 आवर्स, टाइम भी सेम लगा, ठीक है, अच्छी बात है। तो एवरेज स्पीड फाइंड करनी है, एवरेज स्पीड क्या होता है, एवरेज स्पीड का फॉर्मूला, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, टोटल टाइम, डिस्टेंस टोटल कितनी है, d1 प्लस d2, टाइम t1 t2, d1 मतलब 250 प्लस 250, टाइम मतलब 5 प्लस 5, ऐड करेंगे 500, ऐड करेंगे 10, 0 से 0, 50 मीटर पर सेकंड की उनकी एवरेज स्पीड रही, मीटर पर सेकंड, किलोमीटर पर आवर, किलोमीटर पर आवर, कौन सी, किलोमीटर पर आवर की क्या रही, एवरेज स्पीड रही, क्लियर। अब दूसरे पॉइंट में क्या बताया उन्होंने, एवरेज वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट, टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम, टोटल टाइम। अब आप बताइए, बहुत छोटा सा कॉन्सेप्ट, यहाँ से दिल्ली से स्टार्ट किया, जयपुर पहुँचे, ये डिस्टेंस, वापस आकर दिल्ली आ गए, डिस्प्लेसमेंट क्या हुआ, जीरो। मैं आपको बता दूँ वो केसेस, मैंने यहाँ से स्टार्ट किया, मूव करके वापस ही वहीं आ गया, घूमकर सर्कल वाला पोर्शन यहाँ से स्टार्ट किया, मूव करकर वापस अपनी इनिशियल पोजीशन पर आ गया, ऐसे केसेस में डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, जीरो। डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं कि आप स्टार्टिंग में जहाँ थे और बाद में जो वहाँ पर पहुँचे उसमें डिफरेंस कितने का है, सर बाद में मैं यहीं पर ही आ गया तो डिस्प्लेसमेंट जीरो हो गया, तो डिस्प्लेसमेंट क्या है हमारा, जीरो, क्योंकि वो दिल्ली वापस आ गए। टाइम कितना है, 5/5, 10 है, लेकिन जीरो किसी से भी डिवाइड करते हैं तो जीरो आता है, तो डिस्प्लेसमेंट क्या है इस कॉन्सेप्ट का, जीरो। होप सो सारे न्यूमेरिकल, सारे कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से क्लियर हो गए। वीडियो आपको पसंद आए, वीडियो को लाइक जरूर कर दें, जिससे कि आने वाले सभी चैप्टर्स के नोट्स और अच्छे अच्छे टॉपिक्स आपके पास टाइम टू टाइम पहुंच सके। थैंक्स।